इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजा डिले किए, इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि जो भी वहां हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वह स्थगित हो गए हैं। वहीं इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले लोग वापस भारत आ गए हैं। उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है ठीक है जी कि हमने क्या करना है। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ कर? अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। बांग्लादेश अंदर है एक्चुअली भारत के, ठीक है ना, वो अंदर पूरा मुल्क अंदर है। अगर आप इसको नक्शे पे देखें ना तो आपको लगेगा कि बांग्लादेश तो असल में अंदर है भारत के, ये नहीं कि दाएं बाएं उसके पड़ोसी हैं। इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा। इंडियन बहुत ज्यादा खुश है कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, अट्टा के बांग्लादेश बनाया ही बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि actions have consequences। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मोइजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मोइजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है।